हेलो, मैं अपना सबसे पहले परिचय दे दूँ कि मैं सहारनपुर के एक विद्यालय LPS पब्लिक स्कूल उसका डायरेक्टर हूँ और मैं 15 तारीख को मेरी बेटी की शादी थी और जब मैं बेटी की शादी मेरी नज़दीक आई तो उसे 3 दिन पहले मेरे अपनी लापरवाही से मेरे पैर जो है उस पर सेप्टिक टाइप का हो गया और पैर सूज गया। मैं जानता क्या बीमारी थी लेकिन सहारनपुर के डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत चले जाइए, इससे आपके पैर भी कट सकते हैं, ये शुगर के बाद आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपको तुरंत इसके इलाज की ज़रूरत है। सहारनपुर के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि आप तुरंत सिनर्जी हॉस्पिटल चले जाइए, वो एक बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उससे अच्छा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ और देहरादून आता हूँ और देखता हूँ कि कैसा है, वहीं भर्ती होता हूँ। मैं बड़ी गंभीर हालत में था, मैं दर्द से कराह रहा था, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मेरे पैर सूजे हुए थे और मुझे डर था कि कहीं पैर में दिक्कत ना आ जाए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पैर भी कट सकता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं सहारनपुर से रवाना हो गया और यहाँ मेरे बेटे ने मुझे सिनर्जी हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। मेरा पहला इंट्रोडक्शन डॉक्टर प्रवीण कुमार मित्तल जी से हुआ, जिन्होंने बड़ा मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, मैं जो है आपको ठीक कर दूँगा। और एक डॉक्टर गौरव गोयल, वो दूसरे डॉक्टर जो थे, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर, मैं बहुत गंभीर हालत में था और गंभीर हालत में जब मैं लाया गया तो 18 तारीख को मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ। उन्होंने तब मुझसे लिखवाया था कि किसी प्रकार की बात हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमें लिखवाना पड़ता है, आप पढ़ लीजिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं एजुकेशनल फील्ड से हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने डॉक्टर साहब पर कि वो अपना कार्य अच्छा करेंगे और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वो कभी बुरा नहीं करें। अब मैं खुद अपने पैरों से खड़ा होकर चल सकता हूँ, आप देखिए पट्टी है, और जो मैं चल नहीं पा रहा था एक कदम, अब मैं खुद चल के आपको दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं, मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। और यही टांग जो मैं जरा से भी नहीं उठा पा रहा था, उस टांग को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ और इस तरीके से कर सकता हूँ, देखिए मुझे कोई दर्द नहीं है और मेरी टांग बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं आभारी हूँ पूरे सिनर्जी हॉस्पिटल के स्टाफ का, यहाँ के, कि उन्होंने यहाँ मेरा बड़ा अच्छा डेडिकेशन साथ कार्य किया, बिना लालच के किसी प्रकार का कुछ नहीं है यहाँ। और सबसे बढ़िया बात यह है यहाँ कि जब मुझे यहाँ भोजन मिलता था वो भी इतना अच्छा मिलता था, टाइम पर साफ़ सुथरा पैक होकर के इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने कहने दे दी। मैं आखिर में फिर सिनर्जी हॉस्पिटल के स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ और आम लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि वो आम डॉक्टर्स को दिखा गए डॉक्टर प्रवीण कुमार मित्तल जी और जो गौरव गोयल जी जैसे कुशल डॉक्टर हैं, उनके गाइडेंस में यहाँ आए और अपनी आपको स्वास्थ्य यहाँ का जो अपना, अगर वो बीमार हैं, वैसे तो बीमार होना नहीं चाहिए, यदि वो बीमार है तो वो जो है इनके अंडर में ही कार्य कराएँ। और सारी गारंटी मैं अपनी तो ले ही रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करोगे और देख सकते हैं कि मैं अच्छा चल रहा हूँ और अब मैं सहारनपुर की तरह रवाना हो रहा हूँ और अब मैं खुद कार ड्राइव करके खुद जाऊँगा आज आपको। थैंक यू वेरी मच।